पासवान, आप देख रहे हैं हिंद एक्सप्रेस न्यूज। देश और दुनिया की खबरों के बाद अब पेश है कुछ अलग हटके खबर। दिन प्रतिदिन कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में लोगों को छोटे रोगों को डॉक्टरों को दिखाने में काफी दिक्कतों का कठिनाई करना पड़ रहा है। वहीं पर यंग बॉयज वेलफेयर सोसाइटी ने एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया है। यहाँ पर करीबन 700 से ज़्यादा जो मरीज हैं इलाके के, उन लोगों ने आकर के अपना चेकअप कराया है। सबसे बड़ी राहत की सांस है कि लोगों को कई यहाँ पर विभाग लगाए गए ताकि लोगों को अच्छे तरीके से चेकअप कराया जा सके। इस कार्य को संपूर्ण रूप से सहयोग देने में यहाँ के ही पूर्व पार्षद सुनील कुमार शर्मा, अध्यक्ष शेख अशरफ, स्टीक अहमद, जुबार आलम, मोहम्मद हरीस सहित कई गणमान्य व्यक्ति जो क्लब के सदस्य थे वो उपस्थित रहे। छुट्टी नंबर वार्डे यंग बॉयज सोशल वेलफेयर सोसाइटर पक्ष থেকে আজকে একটা স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির করা হচ্ছে, যেখানে চক্ষু পরীক্ষা এবং সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা হচ্ছে। ইয়াং বয়েজ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এই অঞ্চলে এই অল্প দিনের মধ্যেই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছে। এরা লকডাউনের সময় বিভিন্ন মানুষকে যেভাবে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করেছে, এর আগে বস্ত্র বিতরণ করেছে, আমরা সব অনুষ্ঠানেই আমরা এসেছি এবং এবার আজকে এই স্বাস্থ্য পরিষেবা দিচ্ছে। আপনারা জানেন এই অতিমারির সময় যেভাবে করোনা ছড়াচ্ছে তাতে স্বাস্থ্য রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি এবং অনেকেই পরিবারের এমনি সাধারণ অসুখ হয়ে পড়ছে যেটা করোনা নয়, কিন্তু তারা চিকিৎসা করতে যেতে অসুবিধা করছেন, বিভিন্ন জায়গায় অনেক ডাক্তারবাবুই বসছেন না বা ঠিক সময় পাওয়া যাচ্ছে না, দূরে যেতে হচ্ছে, হাতের কাছে তারা এই স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে এসে দিয়েছেন। যারা চোখের অসুখে ভুগছেন বা সাধারণ অসুখে ভুগছেন, ডাক্তারবাবুদের দেখিয়ে তারা এখান থেকে প্রেসক্রিপশন নিয়ে ওষুধ খেয়ে তারা সুস্থ হতে পারেন। चंद महीने साल पहले ये क्लब बना है। यहाँ पर एक कीचड़ और ये हुआ करता था, डंपिंग हुआ करता था। ये यहाँ के लोगों का और सुशील दा के मेहनत से यहाँ पर ये बना है और इसके बाद से हमने देखा है कि हमेशा से ही यहाँ पर, जैसे सुशील दा ने कहा है कि भाई हमेशा से सोशल काम में जुड़े रहते हैं ये क्लब के तमाम लोग। और अभी आप जानते हैं कि जिस तरह से महामारी और लॉकडाउन और ये चला है, कोरोना का जो आतंक चला है, उसमें कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बीमारी से नहीं डर से भी मर गए हैं। डर से और हदस से भी काफ़ी लोग जो है ये अपना जान गंवा चुके हैं। देखिए, प्रोग्राम ऐसा है कि मारिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से लोन का एक स्कीम चल रहा है। वो लोन है, आप 40 से लेके 5 लाख तक, 10 लाख तक लोन ले सकते हैं, बट 40,000 रुपया जो लोन है, अब बगैर गारंटी के आप ये लोन ले सकते हैं। ये लोन का फ़ायदा लेने की ज़रूरत है। ये लोन नहीं है, ये स्कॉलरशिप कोई नई नहीं है। ये माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और ममता बनर्जी ने बहुत पहले ही निकाला था, मगर अभी क्या है, चूँकि लोगों को बहुत पैसे की ज़रूरत है, बहुत सारे लोग लॉकडाउन और ये जो कोरोना का ये दौर चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग अपने नौकरी, अपने कारोबार, अपने जो छोटे मोटे जो काम करने वाले थे उन लोग गंवा चुके हैं, खो चुके हैं। उसके लिए उनको मोरल कुछ सपोर्ट मिल जाए, उनको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए, वो सपोर्ट के लिए ये स्कीम को उन्होंने लागू। अभी हम लोग आए चेकअप दे रहे हैं और आपका ब्लड ये शुगर टेस्ट हो रहा है, बीपी हो रहा है टेस्ट, और आपका चौथा नंबर ऑर्थोपाइप हो रहा है, जो दर्द वगैरह का ये सब जो पैर का हाथ का वो टेस्ट हो रहा है, ये सब चेकअप चल रहा है। कितने लोगों का अभी तक? अभी 150 क्रॉस कर दिए, 150 से 200 आ रहा है। জানাবো রিস্কে ওড়িস, এরকম একটা প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে এরকম একটা ক্যাম্প অর্গানাইজ করতে বলেছিল আমরা কুণ্ঠিবাড়ি পথের দিশারি, কি সুদূর পূর্ব মিদনাপুর এই এনজিও, এইরকম একটা মেগা ক্যাম্পের আমরা
बंदोबस्त রেখেছিলাম 100% সাকসেস বলতে পারবো আপনারাও দেখছেন তো এখানে আমরা যে সব ব্যবস্থাগুলো রেখেছিলাম যেমন একজন লোকের প্রথমে কি দেখা দরকার এই ক্যাম্পে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন তার ফিভারটা আছে কিনা প্রথম আমরা দেখলাম তারপরে তার এই অক্সিজেন লেভেলটা ঠিক আছে কিনা ওটাও আমরা চেক করাচ্ছি ওর পরে অক্সিজেনের পরে আমরা চলে যাচ্ছি ডক্টরের কাছে ডক্টর দেখছে যে একে কি কি দেওয়া যেতে পারে ওকে কি ব্লাড সুগার টেস্ট করাবো না ওর ওকে অকুপেশনের কাছে পাঠাবো ওকে চোখের প্রবলেম আছে কি চোখের ডক্টরের কাছে পাঠাবো ও প্রেশারের প্রবলেম আছে কি প্রেশারের কাছে পাঠাবো না ব্লাড সুগারের প্রবলেম এইভাবে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করেছি ডক্টর থেকে क्या तो हम लोग का काम ही है ये तो नया कुछ नहीं है इसका आगे आज 4 साल से हम लोग का कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहा है एक प्रोग्राम हम लोग जनवरी को लिए थे 12 जनवरी अभी फिलहाल 15 अगस्त को आपका संतुला रोड में लिए है पेंडेमिक में ही लिए इसलिए पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा ज़रूरत आदमी को पड़ता है इस चीज़ का इसलिए आदमी अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है जिस टाइम पूरा पेंडेमिक था उस टाइम में कोई भी एक डॉक्टर नहीं बैठा था सिवाय नर्सिंग होम का और हॉस्पिटल का उस टाइम में यही सभी एन जी ओ या ये जो प्रोग्राम सोशल वर्क या हेल्थ चेकअप है यही सब जो आम आदमी के लिए काम हो रहा था यही सब उस टाइम में काम आया था सुबह से लेकर अब तक तो जो मैं देख रहा हूँ कि 700-800 लोगों ने अब तक अपना चेकअप कराया है काफ़ी तादाद में जो है लोग आए हैं खास करके जो औरतें हैं जो घर से मुस्लिम मौसम औरतें निकलती नहीं हैं तो चूँकि हड्डियों का भी जो टेस्ट चल रहा है तो हड्डियों के दर्द के लिए काफ़ी औरतें खास करके यहाँ पर आ जाइए और उन्होंने अपना टेस्ट करा और ये हमारी बच्चियाँ सब सुबह से जो है मतलब कि इस सोशल वर्क में जो लगी हुई हैं मतलब कि ये हमारे आकिब जावेद हैं ये फरुख गजाला एक एन जी ओ चलाते हैं स्टूडेंट्स हैं हमारे तो मतलब सुबह में ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूशन करके आज सुबह से ये लोग इसमें लगे हैं सोसाइटी के जो है वेलफेयर के लिए खिदमत के लिए क्या है ज़िंदगी में क्या है मतलब कि एक दूसरे के काम है और इसी मतलब के लिए आज यहाँ पर हम सब लोग मौजूद हैं और यंग बॉयज़ वेलफेयर सोसाइटी की दावत से हम लोग आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आएँ आज इस प्रोग्राम को जरूर किया